गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड की कट ऑफ लास्ट ईयर की, जो कि उत्तराखंड डीएलएड का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर को। तो हम देखने वाले हैं कि उसमें मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स जो कि साइंस और आर्ट्स दोनों से थे, तो उनकी कट ऑफ कितनी गई थी। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस बार जो डीएलएड का एग्जाम होने वाला है मई में, तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल डीएलएड में सीट्स कितनी है। तो टोटल डीएलएड में सीट्स जो है वो 650 है, जो कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी बताया था, जिसमें कि मैंने आपको डीएलएड से संबंधित सभी जानकारियां दी थी कि कौन कौन लोग उसमें आवेदन कर सकते हैं और किस तरह उसकी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला है 650 सीट्स उत्तराखंड में टोटल डीएलएड के कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि हर जिले में बराबर बराबर वितरित की गई है। तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो 13 जिलों में 50-50 सीटें दी गई हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक जिले में 50 सीट में से 25 सीट्स आर्ट्स की होती हैं और 25 सीट्स साइंस की होती है। तो इसी तरह से 650 का जो आधा है उसकी आर्ट्स और साइंस दोनों में सीट बढ़ जाती है। तो देखिए जो इसमें टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 का मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, तो उसी में से आपकी जो है कट ऑफ लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो साइंस का अगर हम बात करें, साइंस में लास्ट ईयर मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, जिसमें कि जनरल मेल की जो कट ऑफ गई थी 169 मार्क्स पे गई थी और जनरल फीमेल की 164 मार्क्स पे गई थी। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो 166 मेल और 158 फीमेल, ईडब्ल्यूएस में 166 मेल और 152 फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर कट ऑफ गई थी। ये अभी साइंस ग्रुप की बात हो रही है। एससी की 156 मेल और 142 फीमेल, एसटी में 152 मेल की और 145 फीमेल की कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे कट ऑफ जो है, सबसे कम कट ऑफ गई है वो गई है एससी कैटेगरी की फीमेल्स की। तो आपको पता चल रहा होगा कि साइंस में जो है कट ऑफ एससी की फीमेल की सबसे कम गई है और सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो जनरल मेल की गई है, जो कि सामान्य तौर पर जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉयज हैं उनकी कट ऑफ अधिक जाती है और वो भी साइंस स्ट्रीम में। तो आप कंपैरिजन करोगे तो आर्ट्स की जो कट ऑफ है वो आपको कम दिखाई दे रही होंगी साइंस के मुकाबले। अब हम बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के कैंडिडेट्स की, जिसमें कि जनरल मेल की कट ऑफ 156 पे गई थी और फीमेल की 144 पे गई। ओबीसी की 151 फीमेल कट ऑफ, सॉरी मेल कट ऑफ और 141 फीमेल कट ऑफ। फिर आता है ईडब्ल्यूएस, जिसमें कि मेल कैंडिडेट्स को 150 तक रखा गया और 129 फीमेल को भी रख लिया गया। फिर उसके बाद आता है एससी की कट ऑफ, जो कि 145 थी और एसटी की फीमेल की कट ऑफ 126 रही। एसटी में देखें तो 152 मेल कैंडिडेट्स को लाने थे और फीमेल को 137, तो इससे ज्यादा जिसके भी नंबर होंगे, तो ये लास्ट कट ऑफ होती है, तो इससे ज्यादा जिसके भी नंबर होंगे उनको सिलेक्शन मिल जाता है और इन नंबर वालों को भी सिलेक्शन मिल जाता है, और इनसे नीचे वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे मार्क्स वाले तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और हाँ, इसमें ऐसा भी होता है कि जो रिजल्ट है वो आपका दो बार भी आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट जब रिजल्ट जारी होता है तो उसके बाद कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं, फिर वो अदर कोर्स कर लेते हैं, या फिर कोई कोई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो केवल और केवल अपनी प्रैक्टिस के लिए ही ये एग्जाम देते हैं, तो इसलिए उनकी जो सेकंड रिजल्ट होता है उसमें वेटिंग लिस्ट के जो भी बच्चे बचे हुए थे तो उनको डाला जाता है, अदर बच्चों को भी उसमें भर लिया जाता है, तो इसलिए इसमें दो रिजल्ट आते हैं। अब हम बात करते हैं इस साल की कट ऑफ कितनी जाएगी डीएलएड के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जब तक एग्जाम पेपर हमें नहीं दिखता है तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि जो आपका पिछले साल का ये एग्जाम पेपर था तो इसको जो है टफ बताया जा रहा था, तो टफ बताया जा रहा था तो इसमें जो है जो मेरिट है वो भी आपकी थोड़ी कम ही जा रखी है, लेकिन जहां तक देखें तो पिछली बार से ये जो मेरिट है वो ज्यादा गई है। इससे पहली बार वालों का जो है इन इन मार्क्स से भी कम मार्क्स में भी
हो गया था, लेकिन इस बार वालों का जो है हाई कट ऑफ इसमें गई है। तो आपका जो एग्जाम पेपर होगा अगर इसी तरह से बनता है तो इसी तरह की कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी, वो तो आपके क्वेश्चन पेपर पर निर्भर करता है। अगर आपको सेफ जोन की बात करनी है तो सेफ जोन आपका 170 तक होता है। अगर आपके मार्क्स 170 में आ रहे हैं, अगर ये आपका नॉर्मली साइंस ग्रुप के लिए है 170, क्योंकि आप साइंस ग्रुप की कट ऑफ देख सकते हैं, केवल एससी और एसटी की कट ऑफ को छोड़कर बाकी सभी 160 प्लस हैं। तो 170 अगर आप मार्क्स लाते हो तो आप अपने को सेफ जोन में समझते हो, और ये मार्क्स आपको 200 मार्क्स में से लाने होते हैं। साथ ही साथ इसके लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई है, तो आपको जितनी भी डीएलएड से संबंधित वीडियोस होंगी वो आपको डीएलएड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और साथ ही मैं उसके क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन भी वहीं अपलोड करूंगी, तो आप वहीं से वो वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी की आगे जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।